नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज की सुबह की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे यूपी की सियासत और यूपी चुनाव 2022 से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा दम दिखाना शुरू कर दिए हैं यूपी चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए। और वहीं पर स्वेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी खुलकर कर दिया है एक बड़ी पार्टी का समर्थन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर यूपी चुनाव 2022 से पहले ओम प्रकाश राजभर ने किसको समर्थन दे डाला है। आप बने रहिए इस वीडियो में, पूरी खबर पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार पूर्वक समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, यूपी चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला ले लिया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी को उन्होंने खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी को देंगे समर्थन। यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस वर्तमान के समय में हो रहा है, इन हाल ही दिनों में हो रहा है। और साथ ही हम आपको बताने की कोशिश करें, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या यूपी चुनाव 2022 में भी ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे या बहुजन समाज पार्टी को? आपको क्या लगता है, कमेंट अपनी राय देना। फिलहाल उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बातें बोली हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने क्या कुछ बोला है हम आपको बता दें। राजभर ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सपा ही बीजेपी को जवाब देने में सक्षम है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन का ऐलान करते हुए एक और बड़ी बात बोल दी है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, यूपी इस वर्तमान में उन्होंने बोल दिया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, उनको जवाब देने के लिए सक्षम है। और यूपी चुनाव 2022 में कौन पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी, कौन पार्टी जवाब दे सकती है, कमेंट है अपनी राय देना। हम आपको दो पार्टियों के नाम रख रहे हैं आपके बीच, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। यूपी चुनाव 2022 में भाजपा को कौन टक्कर देगी, आप अपनी कमेंट में राय देना। आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत है ये भी बता देना। साथ ही हम आपको आगे खबर समझाने की कोशिश करें, सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओम प्रकाश राजभर जी ने काफ़ी ज़्यादा बड़े आरोप भी लगाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ पर। काफ़ी ज़्यादा बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने बोला है कि राजभर ने आरोप लगाया कि बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत के लिए हर हथकंडा अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बलिया जिले में बीजेपी ने उनके दल की जिला पंचायत सदस्य सुप्रिया यादव को कल अपने दल में शामिल कराकर तत्काल जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा बड़े आरोप ओम प्रकाश राजभर ने लगाए हैं। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह समर्थन समाजवादी पार्टी को बलिया में दिया, खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी है बलिया में। और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ये समर्थन दिया है, यूपी चुनाव में देखने होगा किसको देते हैं। साथियों, अगली बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव ने भी इस वर्तमान की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा बड़े आरोप लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बातें बोल दी। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जो कि आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आपने ये वीडियो स्क्रीन पर देख ली, अब आप एक माइंड में आपका एक सवाल आ रहा होगा, आखिर वीडियो में ऐसा क्या है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इस वीडियो की जानकारी देते हुए बोला है, गोरखपुर व अन्य जगह जिस तरह भाजपा सरकार ने पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। यानी जिस तरीके से इस वीडियो में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और एक तरफ प्रशासन है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। और भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी जनता विधानसभा में उन्हें उतनी सीट भी नहीं देगी। यानी कि जिला पंचायत, उन्होंने एक और आरोप लगाया जिस तरीके से आप कैसे भी प्रशासन के हथकंडे अपना दे हुए अपने जिला पंचायत अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी बना देती है तो विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा कम सीट मिलेंगी। ये सब समाजवादी पार्टी ने कि मुखिया अखिलेश यादव ने दावा ठोका है। और उन्होंने एक और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन की मदद के प्रशासनिक हथकंडों से
सदस्यों को, समाजवादी पार्टी सदस्यों को अपनी तरफ खींच रही है और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनने दे रही है समाजवादी पार्टी को, कि कार्यकर्ताओं को व उम्मीदवारों को ये सब बड़े आरोप लगाए समाजवादी पार्टी मुखिया, क्या ये बात सच है? अपनी कमेंट में राय देना। सोशल मीडिया अपने ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर समाजवादी पार्टी मुखिया ने ट्वीट करते हुए ये वीडियो साझा की है। इस वीडियो के बारे में और अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उसके बारे में कमेंट में राय दे देना। अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी भी मैदान में उतर चुके हैं। लगातार उनकी जनसभाएं हो रही हैं, लगातार मीटिंग हो रही हैं, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर, मंडल स्तर पर भी उनकी बैठकें हो रही हैं। यूपी चुनाव 2022 को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी। लगातार आए दिन प्रतिदिन जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जा जाकर उत्तर प्रदेश यूपी चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से लोगों को जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने को होगा उत्तर प्रदेश में किसका राय आता है, किसकी सरकार बनती है, आपको क्या लगता है, कमेंट अपनी राय दे देना। क्योंकि सभी राजनीतिक दल अब मैदान में, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े हथकंडे भी अपना रहे हैं। तो साथियों देखने को ये होगा कौन सी सरकार, कौन पार्टी सफल हो पाती है यूपी चुनाव 2022 में। अब बात कर लेते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के परपोत्र राय रत्न अम्बेडकर। उनका कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, ना ही सुमित्र बनते सुमित्र रतन जी का कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, फिर भी वो बहुजनों की सरकार लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाजवाद, वो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक हो और यूपी चुनाव 2022 लड़े। और उन्होंने ये इसको सफल करने के लिए गांव-गांव बूथ स्तर पर भी जाना शुरू कर दिया है। लगातार हमारे चैनल पर आप उनकी वीडियो देख पा रहे होंगे, हम आपको लगातार नई नई अपडेट दे रहे हैं। तो समाज जो राय रत्न अम्बेडकर हैं और सुमित्र रत्न बनते सुमित्र रत्न, उन्होंने जो जो कदम उठाया है इसके बारे में भी आप अपनी कमेंट में राय दे देना। और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद भी यूपी चुनाव 2022 को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने एक साइकिल यात्रा का भी ऐलान कर दिया है, जो कि आप सभी को पता ही कि 1 जुलाई से वो यात्रा होने वाली है। उत्तर प्रदेश में हर गाँव तक, हर घर तक जाएगी। ये सब चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी बातें बोली हैं इस यात्रा का ऐलान करते हुए, ये सब बड़ी बातें बोली जो हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो फैसला लिया वो सही या गलत, और यूपी चुनाव 2022 में किसकी सरकार बन सकती है, आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत है, इन सभी सवाल, तमाम बड़े सवालों का जवाब हमें आप कमेंट में राय दे देना। और क्या यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी या बहुजन समाज पार्टी भी सक्षम रहेगी, कमेंट अपनी राय देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और यूपी चुनाव 2022 से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए भी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।